जय हिंद, नमस्कार। आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से। बहराइच से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक रेप पीड़िता युवती के इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद पीड़ित के परिवारजनों ने घंटों तक शव का दाह संस्कार नहीं किया। उनका कहना था कि आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद परिवारजनों ने युवती के लाश को दाह संस्कार किया। इससे पहले आपको बता दें कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, धन्यवाद। बहराइच के चिलवरिया बाजार निवासी युवती के साथ एक तांत्रिक द्वारा बीती 4 नवंबर को इलाज के बहाने बेहद दर्दनाक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें युवती के आंतरिक अंगों के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी सामने आई थी, जिसके बाद बहराइच पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन गुरुवार को रेप पीड़िता युवती के इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। आपको बता दें कि अभी भी आरोपी पुलिस के गिरफ्तार से दूर है। बृहस्पतिवार को युवती का शरीर उसके चिलवरिया स्थित आवास पर लाया गया, जहां परिवारजनों ने कार्रवाई न होने पर आरोप लगाते हुए घंटों तक शव का दाह संस्कार नहीं किया और बड़े अधिकारियों के आने की बात करते हुए शव को रखा, जिसके बाद मौके पर बहराइच के SDM सुभाष सिंह धामी और COCT जंग बहादुर यादव के समझाने के बाद परिवारजनों ने युवती को के शव का दाह संस्कार किया। SDM सुभाष सिंह धामी ने बताया कि ये बहुत ही गरीब परिवार के हैं, इनकी प्रशासन द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही COCT जंग बहादुर यादव ने बताया कि मामले में पीड़ित लड़की का बयान भी पुलिस द्वारा लिया जा चुका है। इस मामले में जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की कर न्यायालय में सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो। देखिए, ये जो घटना चिलवरिया की हुई है, इस संबंध में पीड़ित परिवार से जो हम लोगों को तहरीर मिली थी, तत्काल जो भी धारा बनती थी तत्काल अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था और पीड़िता का बयान भी दर्ज करके जो अभिलेखित साक्ष्य हैं सबको विवेचना में शामिल किया गया है। अभी चूँकि उसी दिन से फरार है तो माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट भी हम लोग द्वारा जारी करा लिया गया है और हम लोग अविलंब यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर संबंधित धाराओं में चार्जशीट लगा कर माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक सजा कराई जाए इसमें। देखिए, पूरा प्रकरण ये है कि ये घटना की जो आप बात कर रहे हैं वो 4 तारीख की है। उसके बाद ही इस घटना के विरुद्ध जो है FIR लिखाई गई थी कोतवाली देहात थाने में, और जो पीड़िता की जो मृत्यु हुई है वो कल सुबह हुई है, घटना हुई है। और अभी जो परिवार की डिमांडें हैं, परिवार बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध है, और क्योंकि परिवार की जैसी हालत देखी गई, घर की हालत देखी गई, परिवार की हालत देखी गई, वो बहुत ही गरीब एक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके जितनी भी हो सके क्या कहते हैं प्रशासन से जितनी मदद की जा सकती है वो हमारी तरफ से की जाएगी। और साथ में पुलिस की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ के उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। जाएंगे तो बहुत दुखद घटना है और बहुत जघन्य अपराध है। हमारे SDM साहब से और CO साहब से बात हुई है और सभी ने आश्वासन दिया है कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी मुआवजा दिया जाएगा वो मुआवजा किया जाएगा, जो इनका भाई है छोटा उसको जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी और जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जो है न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सारी धाराएं सब लगाई हुई है, वो सब हमने पढ़ा है, देखा है, और जो यहाँ इनके परिवार की हालात जो है वो बहुत गंभीर है। बहुत ही गरीब तरीके आदमी है और एक शुगर मिल में कार्य करते हैं, और मैं विश्वकर्मा समाज से यही कहना चाहूँगा कि पूरा विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर ऐसी ऐसी घटनाओं के सामने खड़े होकर के इस पर जो है बला करना चाहिए और जो तांत्रिक विद्याएं है जो अंधविश्वास है इससे दूर रहे। हम लोग इतना हम लोग नाश्ता दे दिया था कि हम लोग केवल छटपटाए, बोल नहीं पाए, मेरी बिटिया का रेप किया, उसके बाद में उसको दारू पिला रेप किया। फिर जब हम कहें, जब हमें होश आया कि मैं अभी अपने बच्चों को बुला रही हूँ, तुझे अभी मैं यहाँ पर कटवा दूंगी, तो तुरंत उसके शरीर में हाथ डाल करके सब फाड़ फूड़ करके बाबू, और सारा दरवाजा खुला रखा था, सब खुलवा करके रखा था कि बंद मत करना, नहीं भूत बिहार कैसे जाएगा। और तुरंत बाबू भाग गया, चला गया। फिर उसी टाइम से मेरी बिटिया खून जारी हो गया, सब पूरा सब चिल्लाने रोने, पूरा घर द्वार सब छींचा लेदर, दरवाजा खोले, लोग निकले, हम लोग सब लोग पागल, किसी के शरीर में बाबू जान था ही नहीं, लगा कि सबका खून जान सब निकाल लिया। सुबह हम लोग हॉस्पिटल लेकर के गए, जब वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, बोला आपकी बिटिया का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, साफ जितनी आती बचदानी सब फट फट गया है, फाड़ा गया है, कौन किया उसका नाम दर्ज करवाइए।
तो डर के मारे हम नाम नहीं दर्ज करवाए। बोला हम बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक है, बहुत हम पैसे वाले हैं, पूरी फैमिली को मार देंगे। जब देखते देखते जब इलाज नहीं हुआ, किसी ने नहीं इलाज किया, तो हमने मुंह खोला, पूरा बयान वहाँ पर हमने रख दिया सबके सामने। अब आप बताइए, मेरी बेटी अब मरते मरते बोली, माँ मुझे न्याय चाहिए, लाल तांत्रिक मैंने रेप किया, बलात्कार किया, मेरे बाप भाई कैसे जिएंगे, मोछ लेकर के काला चेहरा, मुझे न्याय चाहिए माँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे बाबू मेरी बिटिया की सौगंध, मुझे न्याय चाहिए, मैं कुछ नहीं, लाल महाराज को फांसी होनी चाहिए।